दोस्तों छतरी मुनून के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें आलिया और बाकी सब घर वाले लाउंज में बैठे होते हैं। वहीं साका को बुरा लगता है कि यिल्दिज़ और आलिया दोबारा आ गई हैं, अब मेरा बचना नामुमकिन है। यिल्दिज़ कहती है मेरे सर में दर्द हो रहा है और साइका मेरे सर पर खड़ी हो गई है। हालिद इसे कहे ना बैठ जाए सुकून से, वरना चाय कॉफ़ी है तुमसे बात करने के लिए, और वैसे भी मैं घर में मशहूर हो गई हूँ। दूसरी तरफ हालिद एक रिपोर्ट ले आता है और कहता है आयशा के खाने में जहर था। यिल्दिज़ कहती है हालिद कसम से मैं यकीन नहीं कर सकती कैसे लोग रहते हैं इस घर में। आलिया कहती है हालिद मैं पता लगा लूँगी ये सब किसने किया है। साइका कहती है हालिद आप परेशान ना हो मैं देख लूँगी। आलिया और यिल्दिज़ साइका को देखते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ वहीं साबरी आता है जिसने आलिया को बचाया था। आलिया उसे खुद बुलाती है ताकि वो गवाही दे सके आखिर आलिया को किसने बचाया था। आलिया साबरी का वेलकम करती है। आलिया कहती है मैं जिस आदमी का कह रही थी वो ये हैं साबरी साहब। फिर करीम कहता है आपने मेरी मोम को बचाया था लेकिन वो आदमी सच नहीं बोलता और सबके सामने झूठ बोलता है। कहता है मेरे पास कोई औरत नहीं आई थी ना ही मैंने किसी को बचाया है। आलिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। सब घर वाले हैरान हो जाते हैं मतलब आलिया झूठ बोल रही थी। आलिया कहती है साबरी साहब ये सब आप क्या कह रहे हैं। साबरी कहता है मुझे किसी एक्सीडेंट के बारे में मालूम नहीं है। आलिया कहती है तुम मजाक कर रहे हो। साबरी कहता है मैं इस औरत को नहीं जानता ये औरत यहाँ खुद आई है। वो साबरी क्लियर झूठ बोल रहा होता है। आलिया ये सब सुनकर हैरान होती है कि ये आदमी झूठ क्यों बोल रहा है। आलिया कहती है कल ही तो तुमसे बात हुई है फ़ोन पर और अभी तुम झूठ बोल रहे हो। साबरी कहता है कौन सा फ़ोन मैंने आपसे कोई बात नहीं की। साइका कहती है आलिया तुम पर मुझे अफसोस हो रहा है। करीम बेटा मैं सच बोल रही हूँ मेरी बात का यकीन करो प्लीज़ मैंने कोई धोखा नहीं किया। मेरे प्यारे बेटे मैं बीमार थी मुझ पर यकीन करो प्लीज़। हालिद कहता है आलिया तुम मेंटली बीमार हो गई हो कि ये सब होने के बाद भी मैं तुम पर यकीन करूं। आलिया कहती है मैं सब कह रही हूं ना मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं सच बोल रही हूं। फिर आलिया चिल्लाकर वहां से चली जाती है। तो दोस्तों मज़ीद ड्रामा सीरियल और रिव्यूज़ और प्रोमोज़ के लिए हमारी वीडियोज़ को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।